दोस्तों, इसको हटाइए को। हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले एक हफ्ते से जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी दो दिन पहले एक बुजुर्ग आए मेरे पास, सेल्फी बोले सर मोदी जी ने ठीक किया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर जब मैं टीवी में देखता हूँ, बोले मैं अभी पहले मोदी जी का बहुत भक्त होता था, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ ये बिचारी लड़कियाँ जंतर मंतर के ऊपर दुराचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है जंतर मंतर पे, तो मेरे मन में ये प्रश्न तो उठ रहा है, मोदी जी उसको क्यों बचा रही है? ये प्रश्न आज पूरे देश के अंदर उठ रहा है। तो मैंने कहा बाबू जी क्यों बचा रहे हैं? बोला मेरे तो बिल्कुल समझ के बाहर है जी, ऐसा वो क्या आदमी हो गया जो कि उसको सारा तंत्र, सारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सारा उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो बोलो ऐसा संदेश जा रहा है देश के अंदर कि अगर उनकी पार्टी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाएगी। आपको याद होगा किसानों के टाइम में क्या हुआ था, गाड़ी चढ़ा दी थी उसको, किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, पूरा तंत्र उसको बचाने में लग गया था। आज एक आदमी इनकी पार्टी बच्चियों के साथ गलत काम करता, पूरा तंत्र लग गया बचाने के लिए। तो संदेश ये है कि अगर इनकी पार्टी का कोई भी आदमी चोरी करेगा, उचक्का गलत काम करेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। ये तो गलत बात है, देश ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। आज मैं बताओ, एक पार कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़ा। अभी इनकी तबीयत खराब है, इनको बुखार है, इस बुखार के अंदर भी ये यहां बैठे हैं, कितने दर्द की बात है। आज इस मंच के माध्यम से मैं देश के, ये बड़ी पवित्र धरती है जंतर मंतर, हम भी यहीं से निकले थे, आज से 2011 में अन्ना हजारे यहीं आए।